welcome students in this video we are going to discuss about question number 37 which is in your textbook the question number 37 says anil and sunil are partners there are two partners in the partnership firm namely anil and sunil with fixed capitals of 3 lakh 20 thousand and lakh 40 thousand their fixed capitals are थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड एंड टू लैख फोर्टी थाउजेंड आफ्टर दैट द क्वेश्चन सी इज दे एडमिटेड चारू एज ए न्यू पार्टनर उन्होंने चारू को एडमिट किया है एज ए न्यू पार्टनर फॉर वन फोर्थ शेयर इन द प्रोफिट चारू ब्राट थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड एट इज एज हर कैपिटल तो चारों ने कैपिटल लाई है क्योंकि लाएगी ही क्योंकि वो नई पार्टनर बन गई है पार्टनरशिप फर्म की सो शी हैज़ टू कंट्रीब्यूट द कैपिटल But in this question, one point is missing, that is goodwill. Goodwill is not given. is the goodwill is not given in any question, you have to calculate the hidden goodwill. So let us have a look on solution, how to calculate the hidden goodwill and then how to goodwill is stated in the books of accounts. First we have to calculate the hidden goodwill, calculation of hidden goodwill, how to calculate कैलकुलेट इन दार्टनरशिप फर्म आई हैव टोल्ड इन प्रीवियस वीडियो फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट ऑफ आल हैव टू कैलकुलेट द कैपिटलाइजड वैल्यू ऑफ फर्म कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म आप कैसे कैलकुलेट करोगे वन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द कैपिटलाइजड वैल्यू ऑफ फर्म द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिटेड पार्टनर्स कैपिटल तो एडमिट पार्टनर यहाँ पे कौन कौन है चारू है उसने कितनी कैपिटल लाई है उसने लाई है कैपिटल थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड ग्वाटिड तो हम कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल तो न्यू पार्टनर कैपिटल थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइड बाई न्यू पार्टनर शेयर तो न्यू पार्टनर का शेयर है वन बाई फोर जब इसको हम डिवाइड करेंगे वो बनेगा फोर बाई वन ग्वाटेड तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म बिकम्स ट्वेल्व लैक एटी थाउजेंड in this question first of all you have to calculate the hidden goodwill first point under the hidden goodwill you have to calculate the capitalized value of firm how to value how to calculate the value of capitalized value of firm how say by capital of incoming partner इनकमिंग पार्टनर यानी एडमिटेड पार्टनर जो हमारा है चारों उसने कैपिटल आए है थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड उसका डिवाइड करेंगे हम उसका शेयर तो उसका शेयर है वन बाई फोर वह बनेगा फोर बाई वन तो इसका जो क्या हमारा जो कैपिटलाइज वैल्यू फॉर्म का बनेगा वो बनेगा ट्वेल्व लैख एट्टी थाउजेंड तो उसके बाद द सेकेंड स्टेप इज टू कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म तो टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को ऐड करेंगे वो बनेगा टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म तो अगर हम देखेंगे अन्य चारों का जो न्यू क्या जो न्यू पार्टनर है उसने थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड लाई है और फिर अगर हम अनिल की बात करेंगे अनिल ने लाया है थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड और हम सुनील की बात करेंगे उसकी कैपिटल है टू लैख फोर्टी थाउजेंड तो टोटल तो कैपिटल ऑफ द फर्म बिकम्स एट लैख एटी थाउजेंड गॉट इट तो अगर हम कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे यानी हमारा हमारे बिजनेस का जो वैल्यू है वो कितना है वो हमने निकाला है ट्वेल्व लैख एटी थाउजेंड लेकिन हमने सिर्फ कैपिटल कितनी डाली है एट लेख एटी थाउजेंड जो बाकी डिफरेंस है वही गुडविल है तो हिडन गुडविल कैसे हम कैलकुलेट करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट टू सेकंड ग्वाटेड हमें फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप को सब्ट्रैक्ट करना है वहां से जो अमाउंट निकलेगा वो निकलेगा हमारा हिडन गुडविल ग्वाटेड तो हिडन गुडविल इज कैलकुलेटेड बाई कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म इज ट्व लाख एटी थाउजेंड माइनस टोटल कैपिटल ऑफ फर्म दैट इज एट लाख एटी थाउजेंड तो हमारी फर्म का वैल्यू है ट्वेल्व लाख एटी थाउजेंड लेकिन हमने सिर्फ कैपिटल कितनी डाली एट लाख एटी थाउजेंड तो ये जो डिफरेंस है वो हमारी गुडविल है हिडन गुडविल तो हिडन गुडविल आपने कितनी निकाली फोर लाख गॉट इट अब हिडन गुडविल हमने निकाली है अब सी जो है यानी चारू जो है चारू का शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा चारों का शेयर ऑफ गुडविल बनेगा फोर लैख इंटू वन बाई फोर क्योंकि वन बाई फोर उसका पार्ट है प्रॉफिट में क्योंकि वन फोर्थ शेयर मैंने क्वेश्चन में पहले वो बोला है चारो इज एडमिटेड फॉर वन फोर्थ शेयर इन हिज इन द प्रॉफिट तो फोर लैख इज द टोटल गुडविल ऑफ फर्म तो ये टोटल टोटल गुडविल फर्म की तो हमें किसकी निकालनी होगी चारों की चारों की कैसे निकालेंगे फोर लैख इंटू वन बाई फोर दैट इज वन लैख तो बैंक एंट्री क्या बनेगी जर्नल एंट्रीज बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चार रोज़ कैपिटल अकाउंट क्योंकि पहले क्या बनेगी चारों ने कैपिटल आई है तो बैंक में पैसे जमा हो गए या कैश में जमा हो गए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चार रोज अकाउंट या आपने अच्छे से पढ़ा ये एंट्री थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड एंड थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड क्योंकि ये एंट्रीज आपने पिछले क्वेश्चन में किया है तो सिर्फ इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या था वो था कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल को फर्स्ट एंट्री यू हैव टू ट्रीट इन द बुक्स ऑफ इज बैंक अकाउंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 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 इन ने आई है तो हमने बैंक में वो जमा किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चारोज कैपिटल अकाउंट फिर जो गुडविल बनेगा जो गुडविल एक लाख बन गया चारों का वो हमें एडजस्ट करना है वो हमें क्रेडिट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेकिन मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बोला है कि जब कोई पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता है तो वो गुडविल का पार्ट हम कहाँ से निकालते हैं उसके कैपिटल अकाउंट से तो यहाँ से हम क्योंकि यहाँ के इनके जो कैपिटल है वो है फिक्सड इसका मतलब फिक्सड जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट करते हैं वहाँ पे दो अकाउंट्स बनते हैं कैपिटल और करंट तो यहाँ पे देखिए चारों करंट अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि चारों चारों के कैपिटल करंट तो अकाउंट से पैसे निकलेंगे इन द फॉर्म ऑफ गुडविल क्योंकि उसने कैश में गुडविल दिया ही नहीं है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया हुआ है तो फिर वो ये जो वन लेख उसका गुडविल का पार्ट है वो हम किन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है अनिल एंड सुनील तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वली है इनका क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशो बनेगा वो भी बनेगा वन इज टू वन इक्वली ठीक है तो फाइव फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड किन किन को क्रेडिट करेंगे अनिल और सुनील किस में शेयर ऑफ गुडविल में जो किसका है चारों का बीइंगारो शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इट तो इन दिस क्वेश्चन इन दोनों की डिफरेंस करनी होगी जो डिफरेंस आएगा वही आएगा गुडविल फिर उसके बाद आपको फर्म uh, की गुडविल निकली है फिर आपको निकालनी है चारो की गुडविल वो कैसे निकलेगा उसका जो शेयर होगा तो टोटल गुडविल ऑफ फॉर्म बिकम फोर लैक फोर लैख इंटू वन बाई फोर तो वन लेख बन गया चारों का गुड़विल तो इसके हिसाब से फिर हम करेंगे जर्नल एंट्रीज